कौन नहीं करेगा। अरे हमारे बाहर 5-6 साथी हैं, उनको दस्तक करवा दे। जो जिलेदार दियारो वर्तमान में कार्यरत है वही करेंगे, जो सेवानिवृत्त है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये मतदान रजिस्टर भी होगा। अरे जो इसकी कॉपी हमको लड़ने वाले प्रत्याशियों को देनी पड़ सकती है, कल को उंगली उठा सकते हैं, सबकी रसीद दिखाएंगे। ये सदन का मेला है कल का, सबकी सुनी जाएगी सर। हमारा 26-27 दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन आज 14 तारीख की प्रेक्षागृह में संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के कोने कोने से जिलेदार और उपराधिकारी साहबान प्रतिभाग कर रहे हैं। आज मेरे विभाग के छोटी अभी कार्यक्रम में आए थे, उनके समक्ष सदन द्वारा पारित मार्गदर्शन किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने स्तर की समस्याओं को निदान कराने के लिए आश्वासन दिया है, और जो उनके स्तर की नहीं है उसको शासन स्तर से पैरवी करा कर निदान कराएंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। अभी 2 बजे के बाद हम चुनाव की प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे, लगभग 3 बजे हमारे संगठन के सदस्य सहमत हो जाएंगे, फिर निर्विरोध चुनाव हो जाएगा, अगर सदस्य नहीं चाहेंगे तो गुप्त मतदान का चुनाव कराया जाएगा, जो भी परिणाम आएंगे आपको पता चल जाएगा। मुख्य मांगे क्या थी आपकी? मुख्य मांगे हमारे प्रदेश की नहरें पूरी तरह जर्जर है, क्षतिग्रस्त है, हमारे जिलेदार डीआरओ साहबों के कार्यालय क्षतिग्रस्त खराब पड़े हुए हैं, वेतन विसंगतियां जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, नियमावली हमारी वहाँ पेंडिंग चली पड़ी हुई है शासन स्तर पर, ऐसी तमाम हमारी समस्याएं हैं, उन पर हमने एक मांग पत्र दिया गया है, अगर उनका निराकरण नहीं होता है तो हम अगले आंदोलन के लिए व्यवस्था